कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर के पिछले भाग में आपने सुना मनु नए नए आविष्कार कर खंडहर बने सारस्वत नगर को सजाता संवारता है, नगरवासियों को सुख सुविधाएं प्रदान करता है, नियमानुसार अनुशासित जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। प्रजा कुपित हो जाती है जब उसे अपने संतोष के लिए, अपनी चेतना के लिए एक भी स्वतंत्र क्षण उपलब्ध नहीं होता। शासक स्वच्छंद होकर विचरण करे, प्रजा नियंत्रित जीवन बिताए, प्रजा को स्वीकार नहीं, विद्रोह होता है, सारस्वत प्रदेश का विध्वंस हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी रक्त की महानदी में परिवर्तित हो जाती है। तो लीजिए आगे सुनिए कामायनी भाग 11। वाह रे नारी का हृदय, इसी हृदय में अमृत का सागर लहराता है और इसी में बाढ़ काकनी दहकती है। एक ओर लपलपाती अग्नि की लपटें हैं तो दूसरी ओर शीतलता की वर्षा। कैसा विचित्र विरोधाभास, क्षमा भी और प्रतिशोध भी। वाह रे हृदय, दोनों ही भाव एक साथ इस रंगमंच पर अपनी माया रच रहे हैं। अरे मेरे मन, तू ठीक कहता है, नारी का हृदय है ही दुविधाग्रस्त। मनु ने मुझसे स्नेह किया था ये सच है, लेकिन लेकिन वो अनन्य नहीं रह सका, अन्य हो गया, कुछ और ही हो गया, मुझसे अलग दूसरा ही बन गया। वो अनन्यता तो तुझे सहज ही में प्राप्त हो गई थी, हृदय के किसी भी कोने में पड़ी रह सकती थी, तुझे तो स्नेह मिला था। हाँ, मिला था, लेकिन स्नेह ने जब अपनी सीमा लांघ दी तो वही स्नेह एक अपराध का रूप धारण कर गया। कहने में तो अपराध एक छोटा सा शब्द है, लेकिन लेकिन ये अकेला एक शब्द ही कितना भयानक रूप धारण कर गया। जीवन के एक कोने से उठकर उसने कितना असीम रूप दिखाया कि प्रचुर मात्रा में किया गया उपकार तथा समस्त सहे देता एक ही झटके में समाप्त कर दी गई। इतना बड़ा छल, एक परदेसी कितना दुखी बनकर उस दिन तेरे पास आया था, याद है? एकदम निराधार, केवल शून्य की छाया तले तूने उसे शासन का सूत्रधार बनाया, वो नियमत का आधार भी बना, लेकिन अपने ही निर्मित नव विधान के द्वारा वो साकार दंड बन बैठा। उसने स्वयं भी उन्नति के शिखर चूमे और प्रजा को उन्नति का मार्ग दिखाया। उसकी प्रगति की गति बाधाहीन थी। विभिन्न संस्थानों के माध्यम से जिसने श्रेष्ठता को प्राप्त किया वही मनो आज मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। वो अतीत सब एक सपना था, उसने सबको अपनत्व दिया, लेकिन उसके व्यवहार से ही उसके सब अपने पराए बन गए। तनिक विचार तो कर एड़ा, ये सब क्या हो गया? उसने तो तेरे साथ उपकार ही किया था और वही तेरा अपराधी बन गया। प्रगट उसी से दोष हुआ है जो सबको गुणकारी था। लेकिन ये भी तो सत्य है कि
जीवन के अध्याय में सब कुछ अच्छा ही तो नहीं होता, भले के साथ कुछ बुरा भी जुड़ा रहता है। परस्पर प्यार ही एक दूसरे की सीमा है, इसी में दोनों का सुख है। किंतु अपना हो या औरों का सुख, बढ़ा कि बस दुख बना वही। सुख की सीमा कहां जाकर समाप्त होती है, इसका निर्णय कौन करे? सच तो ये है कि प्राणी अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का सुख छोड़कर अपने ही पथ में रोड़े बिखेरता दौड़ा चला जा रहा है। एक ओर तो मैं अपने मन की इन बातों से सहमत हूं, दूसरी ओर मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। कभी लगता है कि मैं इसे दंड दे रही हूं, और कभी लगता है कि मैं इसकी रखवाली कर रही हूं। ये एक ऐसी विकट पहेली मेरे सामने आ खड़ी हुई है। ओह, मैं कितनी उलझन वाली हूं। लेकिन इससे कुछ सुंदर भी तो जीवन में घट सकता है, ये एक मधुर कल्पना मात्र है। जो भी हो, कल्पना वास्तविकता से तो अच्छी ही है, सत्य इसी कल्पना को वरदान देगा। इधर तो ईड़ा अपने मन के साथ संघर्ष कर रही थी, उधर श्रद्धा मनु की खोज में पुकारती चली आ रही थी। उसने स्तब्ध निशा में ईड़ा को दूर से आती हुई वो ध्वनि सुन पड़ी। अरे अरे, कोई तो दया करो, कोई तो दया करो मुझ पर, कोई तो मुझे मेरे प्रवासी का पता बता दे। कहाँ है वो, कहाँ है वो? उसी बावले से मिलने के लिए मैं इधर उधर मारी मारी फिर रही हूं। वो अपनेपन की भावना से रूठ कर चला गया। अरे अपनापन था तो फिर मैं उसे अपना क्यों ना सकी? वो तो मेरा अपना ही था, भला मैं किसे मनाती? मनाया तो पराए को जाता है ना। यही भूल अपशूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी मैं उसको? कोई आकर कह दे रे। देवी, तुम किसे खोज रही हो? तुम्हें किसने बिसरा दिया है? तनिक बताओ तो, इस भयानक रात में तुम कहां भटकती फिरोगी? आओ मेरे पास बैठो, मैं स्वयं बहुत विचलित हूं। कुछ बोलो, व्यथा गांठ निज खोलो तो। ना, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन भी, कट जाती दुख की राती। आओ मेरे साथ चलो, देखो ये बालक भी बहुत थका हुआ है। ये तो मनु है।
मैंने यही कुछ तो सपने में देखा था। तो क्या मेरा सपना सच था? हे प्राण प्रिय, क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों पड़े हुए हो? इधर आ पुत्र, इधर आ बेटे। देख तो तेरे पिता यहाँ पड़े हुए हैं। पिताजी लो, मैं आ गया पिताजी। माँ जल्दी से थोड़ा जल ला, माँ शीघ्र। माँ हाँ, लाती हूँ। ये पिताजी, दुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, जहां ये ज्वाला थधकती जात की कण को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, मैं सरस बरसात। श्रद्धे, तुम्हारा सहारा पाकर मैं नई चेतना का अनुभव कर रहा हूं। तुम यहां आ गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। किंतु क्या मैं सचमुच यहां अचेतावस्था में पड़ा हुआ था? लेकिन मैं ये सब क्या देख रहा हूं? क्या है ये? वही भवन, वही स्तंभ, वही बलि की वेदी जिसके चारों ओर घृणा फैली हुई है। अरे ये क्या हुआ? तुम्हारी तो आंखें फिर से मुंदने लगी। ये श्रद्धे, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो। मुझे भय है कि कहीं मैं तुम्हें इस भयानक अंधकार में फिर से न गवा दूं। कैसी बातें करते हो तुम? मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे सहारा दो श्रद्धे। तुम्हारा अवलंबन लेकर मैं कहीं तक भी चल सकता हूं। ये कौन है? कौन है ये? वही ईड़ा? नहीं नहीं, तू मेरे पास मत आ। परे परे हट जा, जा। अरे अरे श्रद्धे, तुम मेरे निकट आओ। तुम्हारी ज्योति किरण पाकर मेरे हृदय का कमल खिल उठेगा। तुम मेरे निकट आओ। प्रियतम, तुम मेरे हो। व्यर्थ में डरने की कोई बात नहीं है। लो थोड़ा जल और पी लो। मुझे इस छाया से कहीं बाहर ले चलो। मैं यहां एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। लेकिन कहां? कहीं भी सत्य, कहीं भी मुक्त नील नभ के नीचे या कहीं गुफा में रह लेंगे। अरे झेलता ही आया हूं, जो आएगा सह लेंगे। अभी कुछ देर आराम करो, थोड़ी शक्ति तो शरीर में आने दो, फिर जहां कहोगे ले चलूंगी। क्या कुछ देर इड़ा हमें यहाँ ठहरने नहीं देगी? ये सब कुछ आपका ही तो है, आपका यहाँ अधिकार है। चाहे जब तक या सर्वदा के लिए आप यहाँ सुख से रहें, इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। एक वो भी दिन थे। क्या सोच रहे हो? कहते कहते सहसा चुप क्यों हो गए?
अपने अतीत पर विचार कर रहा हूं। एक वो भी दिन थे जब जीवन में कुछ साध थी, उच्च श्रृंखल अनुरोध था, हृदय में अपनी अभिलाषाएं थी, अपने पन का बोध था। मैं था और विश्व के समस्त सुख साधन उपलब्ध थे। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मैंने तो प्रगति का मार्ग ही देखा था, लेकिन एक दिन अचानक अंधकार की आंधी ने सारे मार्ग बंद कर दिए। प्रलय ही प्रलय का नृत्य शुरू हो गया। लेकिन लेकिन उस प्रलय का भी तो अंत हुआ। वो सब तुम्हारे आगमन से संभव हुआ श्रद्धे, तुम्हारे आगमन से। तुम्हारी दिव्य छवि ने समस्त अंधकार दूर कर दिए। स्नेह और सौंदर्य की महिमा का तुम्हारे आने पर ही ज्ञान हुआ। ये सब तो जीवन की महिमा के कारण हुआ। अकेले जीवन के कारण नहीं, यौवन का भी उसमें सहयोग था। जीवन और यौवन दोनों में होड़ लगी थी। उन क्षणों में मेरा हृदय सीपी की भांति प्यासा था, और तुम सहसा स्वाति की बूंद बनकर आ गई। तुमने मेरे हृदय कमल को खिला दिया। मेरे पतझड़ जैसे जीवन में तुम हरियाली बनकर आ गई। ये तो तुम्हारा स्नेह है जो तुम मुझे इतना आदर दे रहे हो, अन्यथा तो मैं तुम्हारी अनुचरी ही हूं। नहीं देवी, नहीं, नहीं। तुमने मुझे अतुल दान दिया है, बहुत उपकार किए हैं तुमने मुझ पर। तुमने हंस हंस मुझे सिखाया, विश्व खेल है, खेल चलो। तुमने मिलकर मुझे बताया, सबसे करते मेल चलो। इतना ही नहीं श्रद्धे, अपनी तीखी भाव भंगिमा से ये भी तुम्ही ने संकेत किया कि अपना मन है जिसे जब चाहे दान दें। मन का, हृदय का, स्नेह का आदान प्रदान तो हम दोनों के बीच हुआ, जो स्वाभाविक था। उसमें किसी ने किसी पर उपकार तो नहीं किया। उपकार तुमने किया देवी, मेरा प्रणय तुम्हारे उपकार के आश्रित हो गया। मैं तुम्हारा आभारी हूं, तुम्हारे कारण ही मेरा हृदय संवेदनशील हो पाया। यही बात तो मैं भी कह सकती हूं, इसी से तो जीवन में आनंद की रचना होती है। किंतु मैं अधम इस मंगलमय उपकार को समझ ही नहीं पाया। आज भी हर्ष शोक की छाया को पकड़े हुए हूं। भूल जाओ उन सब बीते हुए क्षणों को। मुझे लगता है कि मेरा अस्तित्व क्रोध और मोह के उपादानों को लेकर गठित हुआ है। सच तो यह है कि प्रकाश की किरणों ने मुझे आज तक छुआ ही नहीं। मैं अभिशप्त सा जीवन का कंकाल लिए भटकता फिर रहा हूं। प्रकृति मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है, किंतु एक खीज है जो मुझे भी धिक्कारती है, और उसी के कारण मैं दूसरों पर झुंझला उठता हूं। किस बात की खीज, कैसा अभाव? मैं जो तुम्हारे साथ हूं, मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है। नहीं देवी, नहीं, नहीं। मैं तो एक क्षुद्र पात्र के समान हूं। तुम जितना देना चाहती हो वो इसमें समा ही नहीं पाता, सब जैसे बाहर गिरता जाता है। मुझ में इतनी क्षमता ही नहीं कि मैं उसे आत्मसात कर सकूं।
इस क्षुद्र पात्र में बुद्धि और तर्क के छिद्र हो गए हैं। यही कारण है कि यह पात्र आज भी खाली का खाली है। और ये कुमार, ये भी तो तुम्हारा ही है। हाँ, ये कुमार मेरे जीवन का उच्च अंश है। ये कल्याणकारी कला की भांति विकसित होता रहे, निश्चय ही ये मेरे लिए एक बड़ा प्रलोभन है। किंतु श्रद्धे मुझ अधम को तो तुम भूल ही जाओ, मुझ अपराधी से तुम मुक्त हो जाओ। मैं तो बस यही चाहता हूं कि सब सुख से रहे, मेरे पास सबका स्नेह बना रहे। मैं तो केवल यही। अरे, ये सब तो सो गए। पता ही नहीं चला कि कब दिन बीत गया, कब शाम ढली और कब रात्रि हो गई। बातों ही बातों में समय बीत गया। कुमार, मेरा प्रिय पुत्र, कितनी मीठी और निश्चल मुस्कान लिए गहरी निद्रा में सो रहा है। हीड़ा कुमार के निकट ही पड़ी है और श्रद्धा हाथों का सिरहाना लगाए सो रही है। सो क्या रही है, थकान के कारण अचेत है। श्रद्धा अचेत है, पर मनु तू तो सचेत है। ध्यान से देख, श्रद्धा के अधर भड़क रहे, कुछ सोच रही है। तब तू भी कुछ सोच, कुछ विचार कर, उत्तर दे, बता, क्या जीवन सुखमय है? हाँ? नहीं नहीं, जीवन सुख नहीं, एक पहेली है। भाग यहां से, भाग जल, भाग जा यहां से। ये इंद्रजाल है, इससे पीछा छुड़ा। सोच कि आज तक इस इंद्रजाल में फंसकर तूने कितनी व्यथा नहीं झेली। हाँ? बात तो सही है। श्रद्धा स्वच्छ शांत प्रभात की भांति है। ये एक स्वर्ण किरण है और मैं एक कलुषित काया मात्र हूं। मुझे चले जाना चाहिए, अपना मुख श्रद्धा को दिखाने का साहस मुझ में नहीं है, नहीं है। और इन सब की ओर मत देख, ये सब तो तेरे शत्रु हैं, ये सब कृतघ्न हैं, विश्वास योग्य नहीं है। फिर मुझे यहां से भाग चलना चाहिए। हाँ, शांति की खोज में मुझे यहां से कहीं अन्यत्र जाना ही होगा। मुझे जाना ही होगा। भाग, अरे मनु, भाग भाग भाग। पिताजी, कहाँ हैं आप? पिताजी, 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 कहाँ हैं पिताजी आप? पिताजी, पिताजी। वही हुआ जिसका मुझे भय था। अंततः उनमें वैराग्य जाग ही उठा।
सबको छोड़कर चले ही गए। इसके लिए मेरे सिवा और कौन जिम्मेदार है? मैं ही अपराधी हूं, मेरे ही कारण ये सब हुआ। देवी, देवी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देवी श्रद्धा आप क्या बोलेंगी? इन पर तो जैसे वज्रपात हुआ है, फिर से पाकर भी सब कुछ गवा दिया। कामायनी। अभी आप जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर का 11वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, प्रस्तुतकर्ता नवीन, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, ध्वनियांकन के एन जोशी, निर्माण प्रबंध प्रियंका। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, रजनी शर्मा, अर्चना प्रभाकर, प्रवीण शर्मा, सीपी शर्मा, अशोक मलकानी और प्रतिभा शर्मा।